एक दिन भी अगर कोई रह गया ना तो फिर मेरे जैसा बुरा नहीं है, कोई ध्यान रखना। मैं रखता हूँ तो अच्छे से रखता हूँ, नहीं रखता हूँ तो नहीं भी रखता हूँ। ठीक है, कहाँ गई बैंक वाले? कहाँ है? नहीं आई क्या? एस दिन साहब बैंक वाले कहाँ है? नोट करो, उसका इलाज करते हैं कल। ठीक है ना, आ जाएंगे। एक तो ये केसीसी के लिए भी है, आपके यहाँ पर दोबारा उनको भेजेंगे, आप चिंता मत करो। यहाँ जिसको भी केसीसी बाकी है, कोई भी हो तो मुझे बताना, उसको बैंक वाले को यहाँ भेजेंगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ बैंक लगाएंगे, अलग भेजेंगे उसको। आज आना चाहिए था उसको, नहीं आया तो दोबारा आएगा आपके अलग से। मुझे बता देना कितने लोग हैं, उनके लिए अलग भेजेंगे, उनकी यही सजा है उनको। भाई कैसी वाले कौन है? हाँ आप बताओ, अपनी कौन सी स्कीम में चल रही है? माइक दो उनको, मुझे भी तो पता चले मेरे काम वालों को आपने क्या बताया है। माइक ले जाके दो उधर, जे जे एम वालों को भी लाइन में लेंगे, चिंता ना करो। नमस्कार, आज सबसे पहले तो हमने पीएम प्रणाम योजना के बारे में पूरे विस्तार से बताया, जैविक खेती और ड्रोन से नैनो यूरिया के स्प्रे के बारे में बताया। ऐसा है, स्प्रे हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है ड्रोन की, हमारे यहाँ तो ये होता है क्या आपके डबल क्रॉप एरिया इधर इस बाइक में है नहीं, नहीं है तो फिर स्प्रे उसका क्या बताना, हमारे तो यहाँ क्या कर सकते हैं वो बताओ। यहाँ के लिए सर अपनी जो वर्तमान में योजना चल रही है, जैसे तारबंदी है, फार्म पॉन्ड है। कितने फॉर्म भरे हैं आपने? आज तो कोई फॉर्म नहीं है सर। फॉर्म आया आपने, कहा भरो? जो आवेदन है कितने पैसे दिए आपको इस पंचायत के लिए, आप इस पंचायत समिति के लिए कितने पैसे आप कितने दे सकते हो इनको बताओ। हमारे करवाना है, मेरे करवाना है, कैसे करवाना है बता। मुझे आपकी स्कीम में किसान हूँ जी सर, और मुझे आप क्या दे सकते हो वो बताओ। आपको हम ये स्कीम में आपके तारबंदी में कितना दोगे पैसा, क्या दोगे जी सर? सबसे मेरे को कितना देना पड़ेगा जी सर? आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा सर, इसमें सब्सिडी देते हैं कृषि विभाग। तारबंदी योजना के लिए किसान को सबसे पहले आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के लिए आपको यहाँ पे भेजा था, यहाँ पर अभी अगर तारबंदी के लिए आपको कहा जाएगी, आपके किसके किसके तारबंदी करानी हाथ खड़े कर दो। अब इतने लोगों को तो करानी है, तुम्हें एक भी फॉर्म नहीं भरा, भैया ये कैसे चलेगा सर? आवेदन सर भरे भरे मैंने, ई मित्र पे आवेदन करना पड़ता है, नेट पर फॉर्म भरा ही जाता है सर। मेरा ये कहना ई मित्र है ना, आपके फॉर्म लिंक आपको लेने चाहिए ना, फिर भर देते वहाँ जाके सर। ऑनलाइन भरा जाता है सर? ऑनलाइन सर, आपको वहाँ जाके भर देते ना, यहाँ पर फिर क्यों आए आप? इसमें सर ओटीपी आती है, ऑनलाइन भरना पड़ता है, जन आधार कार्ड के माध्यम से। पर इनको बताया कैसे करेगा आप? ऑनलाइन दिन में बताया क्या ऐसा फील होना सर? इसको बताया, ये तो कह रहे हमें तो नहीं बताया, ऐसा नहीं आगे से ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप बताओ और कौन सी स्कीम उनको देना सर? तारबंदी के काफी फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए भी है, ऑनलाइन किए हुए हैं सर। तारबंदी छोड़ो और स्कीम बताओ कृषि में। दूसरा सर फार्म पॉइंट है, खेत तलाई जहाँ भाग फार्म पॉइंट पॉइंट में हमारे को घेर को क्या बना के दोगे, कितना पैसे दोगे? लोगे बीस बाई बीस बाई तीन मीटर का पॉइंट किसान को बनाना है, प्लास्टिक लाइनिंग के साथ बना सकते हैं या कच्चा तो बच्चा तो चलेगा जी। आप क्या दोगे किसान को बना रहा है, आप क्या दोगे? 1,20,000 रुपए की सब्सिडी है सर उसमें, प्लास्टिक लाइनिंग में सब्सिडी दोगे आप जी सर? कितने फॉर्म सेंक्शन किए आपने सर? यहाँ का कोई सर फॉर्म पॉइंट का नहीं है। इस विधान इस भाई तू पंचायत समिति में कितने सेंक्शन किए आपने? वित्तीय वर्ष 2023 के अंदर 4 फॉर्म फॉर्म की स्वीकृति मिली है और 4 का भौतिक सत्यापन। फॉर्म आपने कितने भर के भेजे जिसमें से 4 सेंक्शन हुए सर? इसमें फॉर्म फॉर्म वाले कितने आए भरे हुए सर? पहले ऑनलाइन भरे हुए हैं तो सेंक्शन क्यों नहीं हुए सर? लोटरी के माध्यम से चयन होता है और टारगेट मिलते हैं उसी के आधार पर। चलो ठीक है, ये तो बता। आप और कौन सा ड्रोन क्या कह रहे थे? ड्रोन का ड्रोन के बारे में सर, ड्रोन वाले बाबू वो ड्रोन का है ड्रोन वाले कहाँ है? ड्रोन सर बाहर तैयार है मेरे फॉर्म। हाँ भैया इसके इनके जियो टैगिंग क्यों नहीं किया आपने? इनका तो फॉर्म भरा हुआ है, बड़ा हुआ है किसका सर? ये इनके डिगी बनाया हुआ, इनका जियो टैगिंग नहीं करोगे क्या चाहिए आपको?
ग्राम पंचायत कौन सी सर? चित्र का पार। चित्र का पार सर मेरी ड्यूटी नहीं है, बस जिसकी ड्यूटी है ना उसको बता देना, ड्यूटी के लिए फिर तैयार है वो। बिल्कुल एक दिन भी अगर कोई रह गया ना तो फिर मेरे जैसा बुरा नहीं है, कोई ध्यान रखना। मैं रखता हूँ तो अच्छे से रखता हूँ, नहीं रखता हूँ तो नहीं भी रखता हूँ। ठीक है ना, कोई फाइल नहीं रोकनी चाहिए किसी का। मैंने सुन लिया ना कि सिर्फ उस वजह से रोकी है तो फिर आपने देर ही रखना आप लोग। ठीक है, और ड्रोन का बताओ, ड्रोन की क्या स्कीम है आपके? सर ड्रोन से स्प्रे और उसके बारे में पूरी जानकारी। क्या होता है, कैसे करता है ड्रोन से, क्या करेंगे ड्रोन में? ड्रोन से सर एक हेक्टर में 20 से 25 लीटर पानी और उसमें नैनो यूरिया। अभी वो ठीक है, सिस्टम छोड़ो, उसकी ड्रोन की विशेषताएं क्या है? ड्रोन के क्या क्या उसके फायदे हैं सर? एक तो आधा घंटे से 35 मिनट में एक हेक्टर में स्प्रे कर देता है पूरा। ठीक है, समय बचता है, समय बचता है, पानी कम लगता है, केवल 20-25 लीटर पानी में काम हो जाता है, केमिकल जमीन में नहीं जाता, मिट्टी को खराब नहीं करता, सब पत्तों पर जाता है। और उसकी सर ये मेरे को ड्रोन लेना है तो मैं मेरे को कितना पैसा लगेगा ड्रोन का, सब्सिडी कितनी दोगे आप? अभी सर जो यहाँ पर ये ड्रोन है इसकी कीमत लगभग 10 लाख है, 6 से 10 लाख अलग अलग है। और उसमें जैसे मेरे को ड्रोन लेना है, मुझे कितना पैसे की आप सब्सिडी दोगे 10 लाख में से? सर अभी आम नागरिक को तो इसमें हमारे अभी तक नहीं आई है, लेकिन ऐसे नहीं है ये गाइडलाइन के लिए। यार आप क्या बात करते हो सर, हमें नहीं मिला बकायदा हिंदुस्तान की सर मेरे मंत्रालय से गाइडलाइन निकली है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने नीचे दे दिए, ऑनलाइन है आपके मंत्रालय के अंदर। अगर हो गया ना तो फिर आप क्या करोगे बताओ, अगर उसकी ऑनलाइन ले ली तो? सर मैं बता निवेदन कर रहा हूँ, SSC महिलाओं को 80% तक यूनिवर्सिटी है, केडी के है, मैं हाँ बताओ क्या है उनको बिल्कुल मुफ्त है, उनको मुफ्त है, SSC है 50%, 5 लाख तक की उनको है सर। ठीक है, फिर अभी तक तो यही जानकारी। क्या जानकारी है यार, आप क्या पोस्ट पे हो? जॉइंट डायरेक्टर की ये पोजीशन है, आपको ये भी पता नहीं है ड्रोन की सब्सिडी कितनी है? और ड्रोन टेक्नोलॉजी आज मोदी जी ने किस मुश्किल घड़ी में लाके लाए, आजादी को 70 साल हो गए लेकिन ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया। दूसरे देशों में जाते थे ना तब ड्रोन को देखने को मिलता था, लोग किसान खेती करते थे, इस ड्रोन से पेस्टिसाइड छिड़काव करते ना तो एक तो वो इमेजरी लेके जाता है, जहाँ कीड़ा बैठा है ना उसी भी अटैक करता है, दूसरी जगह पेस्टिसाइड गिरता भी नहीं है, इसकी इतनी बड़ी विशेषता है। और उसके बाद में आपको सब्सिडी का मैं पता नहीं है, ये मेरे को अगर आपके पास आके कह दे कि मुझे ड्रोन लेना है तो आप तो एक उसके मुंह देखोगे, किसी को कहोगे 50% ड्रोन के अंदर जो सब्सिडी है, ध्यान देकर अभी सुन लो, आगे से कोई हो ना, अगर कोई भी व्यक्ति ड्रोन अगर सामान्य व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उसमें 4 लाख की सब्सिडी है, यानी कि 10 लाख में 4 लाख सब्सिडी, 40% की सब्सिडी है। अगर कोई SC ST का खरीदता है या महिला खरीदती है तो 50% की सब्सिडी है, यानी कि 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। और उसके बाद में अगर कोई FPO खरीदता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसपे 75% सब्सिडी, यानी कि 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे, 7.5 लाख रुपए भारत सरकार देगी। और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी कह रहे थे ना आप, ये अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए आपने तो कहा 50%, उसमें 80% सब्सिडी है, यानी कि 8 लाख रुपए भारत सरकार देगी। आपको सिर्फ इतने देने, उस महिला ग्रुप को 2 लाख रुपए देने, 8 लाख रुपए भारत सरकार देगी, 80% सब्सिडी। आपको इसका पता ही नहीं है, बैठ जाते हैं यहाँ पे, चलो बैठो।